like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. Hello guys, welcome back to my new vlog. तो आज है संडे और आज हम जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए. और अभी कुछ डिसाइड तो हुआ नहीं है कहाँ घूमने जाना है. ये मैं बोलूँगा, मुझे बोलना है. तुम बोलो गाइस, ये बोलना चाहिए. बोलो तुम बोलो. तुम बोलो, बोलो. आज हम जा रहे हैं घूमने. नहीं तुम बोलो, तुम अच्छा बोलो. बोलो ना. नहीं तुम अच्छा बोलते हो. नहीं बोलो मुझसे. तो चलो गाइस चलते हैं. तो आगे ज्यादा जानते हैं नहीं है. तो चलो फिर हम मिलते हैं और फिर फाइनली पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं. चल बाय. Yes, अभी हम आ गए हैं हिमायूं टॉम. तो ये यहाँ का ऐसा व्यू है. ये एंट्री है पूरी यहाँ से. टिकट लेने का बड़ा लंबा प्रोसेस है. हाँ और मैं बताऊँगा यहाँ पे टिकट का क्या प्रोसेस है पूरा. तो एक्चुअली यहाँ पे 70 rupees की टिकट है. तो वो आपको लेनी पड़ेगी ऑनलाइन और इजी प्रोसेस है पूरा. छोटे जल्दी चल लो, तुम कहाँ इतना टाइम लगा रही हो. देखते हुए चल रही हूँ, आई हूँ घूमने का एंजॉय करते हुए. वैसे हमें हिमायूं के टॉम के बारे में कुछ नहीं पता. वही हम देख रहे हैं अभी. गाइस हमें एंट्री मिल चुकी है. चलो चले. ये यहाँ की एंट्री. तो गाइस अंदर बस यही है और ज़्यादा कुछ नहीं है. तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है. अच्छा क्या, एक तरीके से मकबरा ही है ये हिमायूं का. तो ये एग्जिट. तो फाइनली गाइस मैंने आपको पूरा यहाँ का दिखा दिया. बस यही है यहाँ पर. और एक चिल्ड्रन पार्क भी है यहाँ पर. तो वहाँ तो हम नहीं जा रहे क्योंकि वैसे भीड़ बहुत है वहाँ पे. संडे है ना आज, तो काफ़ी क्राउड है. तो इसलिए हम वहाँ नहीं जा रहे. तो ये था आज का पूरा. अब थोड़ा फ़ोटो शूट करा लेते हैं. अंशु कैसा लगा है? मज़ा आ गया. गर्मी लग रही है. गर्मी तो हो रही है. नहीं गर्मी नहीं हो रही, ठंडा हो रहा है. कितनी फोटो खींचे? फोटो पता नहीं कितनी खींचे. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here. World seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. So guys, ये था पूरा आज का यहाँ का view. तो अभी ब्लॉग ख़त्म नहीं कर रहे हैं. अभी चलते हैं यहाँ से और देखते हैं. भूख भी बहुत लग रही है. कुछ खाने का तो मिल जाएगा यार, देखेंगे. तो चलो गाइस फिर मिलते हैं बाहर निकल के. यहाँ का तो पूरा हो गया है. बस यही चीज़ है और ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर. सो गाइस वहाँ से आने के बाद तो ऐसी नींद आई ना कि हम सो गए थे और अभी उठे. अब हमारे घर में अभी खाना वाना बन रहा है. तो प्याज व्याज कटिंग हो रही है. ये तुम घर पर यहाँ रूम में क्यों कर रही हो यार? यार तुमने बेड को पता नहीं. ये बेड इसका बस चले बेड को किचन बना दे. मुझे तो ये लग रहा है. हां जो गुड अच्छा सही लुक आ रहा है. सही लुक आ रहा है. ऐसे ही रहा करो. दिखाना दिखाना. ओहो बचपन मेरा बस के अंदर बचपन. हाँ यार मैं आपको अपनी मम्मी से मिलवाता हूँ. मम्मी कह रही मम्मी इंटरटेनमेंट करेगी. मम्मी बता ये बात है. मम्मी के अंदर वो बहुत है. बोलने की शक्ति नहीं, एक होता नहीं सेंस ऑफ ह्यूमर. ओ नहीं, है,
रखा हुआ है। रोटी दे के आई कुत्ते को, दिया ही रोटी, पानी दे के आई, पानी दिए, सही नहीं देना चाहिए, देना चाहिए कुत्ते को। हाँ तो गाइस देखो, अगर आपकी भी गली के आसपास ये कोई भी कुत्ते होते रहता हो ना, डॉगी वॉगी, तो उनको खाने को दे दिया करो, क्योंकि वो बहुत रोते हैं ना, अजीब सब हो जाता है। गाइस आज ना ये खाना बना रहे हैं, ये ना खाना बनाते हैं डांस भी करते हैं, तो आज मैं इन लोग का आपको लाइव परफॉर्मेंस दिखाती हूँ। चलिए देखते हैं कि खाना कैसा है। यार तुम पागल हो क्या? मैंने कहा तुम्हें इतना डांस का शौक है, दुनिया को तुम्हारा टैलेंट मालूम है। गाइस ये रे मोहब्बत तो ही है, कम मत तो ही है, सबको ये टैलेंट पता होना चाहिए, कम मत तो ही है। गाइस एक्चुअली क्या है ना, आज हमारे घर में बना चिकन, तो अब मैं वही है कि हम दिखा नहीं सकते क्योंकि कई लोगों को ना पसंद नहीं होता, तो इसलिए हम अवॉइड ही कर रहे हैं उसको दिखाना। पहले किसी एक वीडियो में दिखाता था, बट अब हम दिखाते नहीं हैं। तो अभी मैं खाना ही बना रहा था, क्योंकि ये तो मेरी वाइफ जो है ना बहुत बेकार बनाती है, इसे मैं खुद ही बना लेता हूँ। अपनी बुराई तो भाई कितनी दूर से भी सुन लेगी ये, कान में आवाज आ जाती है, मेरे कान बोलते हैं। तो कान बोलते हैं जैसा। तो हम खाना खा रहे थे, नहीं नहीं तुम लेके आया, कोई बात नहीं, मुझे क्या पता घी रिफाइंड है, जम जाता है, घी हार्ड होगा। मैं थोड़ी ना किचन में काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, तो जो भी था इसने पलंग पे रखा, मैंने बेड पे रखा, और इसने ऐसा पैर मारा ना, पैर नहीं मारा, मैंने ब्लैंकेट खींचा था, ब्लैंकेट खींचा, वो सारे पूरे बेड पे हमारे ना रिफाइंड हो गया। वो तो अभी भगवान का शुक्र है कि इसके नीचे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम एक ब्लैंकेट एक्स्ट्रा बिछाते हैं, नहीं तो पूरा हमारा मैट्रेस खराब हो जाता। तो दिमाग नहीं है। चलो गाइस एंड करते हैं इस व्लॉग को, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना, और अगर आपको चलो तुम बोलो, आज तुम बोलो पक्का, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। ओह माय गॉड, इतनी सारी चीजें कहां से सीख ली तुमने? चलो गाइस मिलते हैं, ऐड करते हैं इस ब्लॉग को, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हुआ तो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच वॉचिंग।